करैरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जसवंत जाटव के खिलाफ देर रात नायब तहसीलदार राजेंद्र जाटव की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जसवंत के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन सहित प्रलोभन देने एवं धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी जसवंत जाटव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो करैरा विधानसभा क्षेत्र के अमोल पठा गांव की आदिवासी बस्ती में कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के साथ पहुंचे थे। बस्ती के लोगों को शिकायत थी कि विधायक बनने के बाद जसवंत जाटव उनका दुख दर्द पूछने तक नहीं आए। लोगों ने कहा कि जब हमने देवी प्रतिमा स्थापित की थी तब भी उन्हें बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। इस पर जसवंत जाटव ने कहा कि आप लोग देवी प्रतिमा स्थापित कराओ, 10,000 रूपये मैं दूंगा। साथ ही बस्ती वालों से भाजपा जिंदाबाद के नारे लगवाते हुए जसवंत जाटव ने कहा था कि सभी लोग वोट डालने नहीं गए तो गला दबा दूंगा। शिवपुरी कोतवाली में तहसीलदार शिवपुरी ने पोहरी से कांग्रेस प्रत्याशी हरिबल्लभ शुक्ला, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित 20 कांग्रेस नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन सहित कोविड-19 की गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी करने का प्रकरण दर्ज किया है। बता दें कि पोहरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय में नामांकन दाखिल करने आए थे। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता और अन्य समर्थक भी मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर लोग मास्क तक नहीं लगाए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान था। इस पूरे मामले में तहसीलदार भूपेंद्र सिंह कुशवाहा ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित 20 लोगों पर मामला दर्ज किया।